स्टार्ट करते हैं। ख्याति लिमिटेड इशूज है प्रोस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशन 80,000 शेयर हैं ओवर ₹10 ईच। एप्लीकेशन 2 पर शेयर है, अलॉटमेंट 3 पर शेयर है, फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर है, फाइनल कॉल 3 पर शेयर है। एप्लीकेशन हमारे पास आई है 1,20,000 शेयर के लिए। इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ आवर सब्सक्रिप्शन टिल अलॉटमेंट ओनली। कहते जो एक्सेस अमाउंट आएगा उसको आपने केवल अलॉटमेंट तक ही रखना है, यानी कॉल वगैरह पे नहीं लेके जाना। अगर आपका अलॉटमेंट से ज़्यादा हो रहा है तो आप वापस कर देंगे उसको, ठीक है, टू बैंक कर देना। अलॉटमेंट ओनली है, हेंस द अलॉटमेंट वाज मेड 20,000 शेयर इन फुल, 40,000 10,000 शेयर, 60,000 50,000 शेयर, ये ग्रुप बना रखे हैं आपको। अलॉटमेंट वाज मेड एंड ऑल शुड एक्सेप्ट, तमन्ना थी एक उसमें, उसने अप्लाइड किया था और 2,400 शेयर के लिए, ग्रुप आपका थर्ड था, इस ग्रुप की मेंबर थी वो, उसने क्या किया अलॉटमेंट नहीं दी और उसके शेयर इमीडिएट फॉरफिट कर लिए अलॉटमेंट के बाद। अनदर शोल्डर छाया थी, उसने अलॉटेड थे उसके पास 500 शेयर थे, ग्रुप सेकंड की थी ये वाली पुराटा ग्रुप है आपका, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी लेकिन उसके शेयर फॉरवर्ड करने की बात नहीं की है। फिर आगे उसका कहता तमन्ना के 50% शेयर रीइशू कर दिए सतनाम को 7 द पेडअप मानते हुए 9 पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम पे। तो आपने एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ ख्याति लिमिटेड फॉर द वो ट्रांजेक्शन बाय ओपनिंग कोज इन एरियर अकाउंट भी खुलेंगे, कोज इनवास अकाउंट भी आपने खोलना है, अगर जहाँ आपको लगेगा बनाना है तो बना देंगे आप, ठीक है। तो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं एक बार यहाँ पे। तो 80,000 शेयर है, 10 रुपीज़ वाले, एप्लीकेशन 2 है, अलॉटमेंट 3 है, फर्स्ट कॉल 2 है, फाइनल कॉल 3 है, टोटल शेयर आपका 10 का है। तो एप्लीकेशन आपके पास आई है 1,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई और सब्सक्रिप्शन हो गया। इधर हम अप्लाइड अलॉटेड 20,000 को 20,000 दिए फुल है, 40 को 10 दिए, 60 को 50 दिए, लेकिन उसने एक चीज़ कही है आपको यहाँ पे कि एक्सेस अमाउंट जो हमारा आएगा उसको केवल अलॉटमेंट तक ही रखना, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक बार देख लेते हैं कितना कितना एक्सेस है। 40 को 10 30 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2, 60,000 बनता है। एक बार चेक करते हैं 10 मल्टीप्लाई 3, तो 30,000 ही आपका अलॉटमेंट पर एडजस्ट होता है। अब बाकी आपका कितना बच गया, 30,000 बच गया। तो इसको हम क्या करेंगे, वापस ही करेंगे, टू बैंक करना है इसको, आपने ध्यान रखना क्या करेंगे टू बैंक, क्योंकि इसको आप रख नहीं सकते, टू बैंक कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि एक्सेस मनी को केवल आप अलॉटमेंट तक ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अब अलॉटमेंट से ज़्यादा होगा तो इसको आप क्या करेंगे, वापस कर देंगे, टू बैंक कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका 50,000 मल्टीप्लाई 3, 150 होता है और यहाँ पे है 20, यानी सारा अकाउंट एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, ये आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका अलॉटमेंट के बाद कॉल पे गया, सॉरी वापस कर दिया, क्योंकि कॉल पे आपने करना नहीं है, ये आप अलॉटमेंट तक करेंगे। यानी अलॉटमेंट पर टोटल मिला के देखा जाए 30 + 20 यानी 50,000 आपका अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा इसमें से, और 30,000 आपने वापस करना है, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं एक बार, फिर एडजस्टमेंट करेंगे जो हमारे पास है। तो फर्स्ट एंट्री आपको पता ही है 120 से चलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 120 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2, तो 2,40,000 2,40,000 फर्स्ट एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो 2,40,000 यहाँ मिलेंगे, हम 2,40,000 लेंगे, ये आपका डेबिट हो गया, ये आपका क्रेडिट हो गया। अब दूसरी एंट्री करेंगे बड़ी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ तो आप डाल दीजिए 2,40,000। उसके बाद टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, बैंक के सामने आपका 30 आएगा क्योंकि अलॉटमेंट से ज़्यादा आपने वापस करना है, वो कंदील वाला ग्रुप नहीं था, फिर भी हम 30 वापस करेंगे। अलॉटमेंट के सामने 30 तो आपने इसमें से लिया, 20 आपका ये टोटल कितना 50,000 टू शेयर अलॉटमेंट के सामने डाल दीजिए 50,000। और कैपिटल में आपको डालना आता है कितने शेयर तो ऊपर आपके एक्चुअल 80 को किसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1,60,000 आपका कैपिटल में डाल दीजिए। पूरी एंट्री क्या बनी एक बार देखते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। अब अलॉटमेंट यू करते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो अब आपका उसमें सारा 80 से चलेगा, 80 को किसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2,40,000 बनेगा, तो 2,40,000 2,40,000 अब बैंक वाले एंट्री पे आ जाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कोज इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सबसे पहले आपने क्या करना है 240 में से
ये जो ऊपर आपका एक्सेस आया वो 50 पहले 50 आप इसमें से लेस करेंगे, 240 में से 50 कटाओगे तो आपका बन जाता है 190। ये तो आप अलॉटमेंट के सामने डाल दीजिए 190। यहाँ पे इसमें से इसको क्या करके लेस करके 190 आप किसके सामने डालिए, अलॉटमेंट के सामने डाल दीजिए। अब एक बार एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसमें एक तमन्ना थी, इसने 2400 शेयर के लिए अप्लाइड किया था, उसने अलॉटमेंट नहीं दी और उसके शेयर इमीडिएट फॉरफिट कर लिए अलॉटमेंट के बाद, और ग्रुप वो बता रहा है, कैटेगरी बता रही है, वो कैटेगरी है थर्ड ग्रुप की है। तो कौन सा थर्ड? थर्ड ग्रुप आप देखो, ये फुल वाला भी ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, यानी प्रोराटा अलॉटमेंट है। एक्सेस मनी आपकी कहाँ तक गई थी? अलॉटमेंट तक गई थी, और अलॉटमेंट उसने नहीं दी, यानी एडजस्टमेंट आपने करनी है। तो पहले तो अप्लाइड की क्या निकालेंगे हम, अलॉटेड, तो लोटेड ऊपर रखना 50,000 अपॉन 60,000 मल्टीप्लाई 2400 शेयर, तो ये हमारा बन जाएगा 2000 शेयर आएंगे। उसके बाद एडवांस जैसे पहले बनाते हो आप, 2400 माइनस 2000, 400 हो गया, मल्टीप्लाई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितने रुपीज़ की है? 2 रुपीज़ की, तो 800 हो गया। फिर हम ड्यू करेंगे, ड्यू के लिए कम वाले शेयर उठा लीजिए 2000, मल्टीप्लाई अलॉटमेंट, कितनी अलॉटमेंट है? 3 रुपीज़ की, 3 से मल्टीप्लाई करिए, यानी 6000 बनता है। फिर नोट रिसीव्ड 6000 माइनस 800, तो 5200 आपका रिसीव्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो आप क्या करना, कोऑर्डिनेटेड आपका हो गया 5200, आप यहाँ डाल दीजिए। फिर आप इसमें से इसको लेस कर दीजिए, 190 में से कितना गया? 5200 जाएगा, तो बाकी आपका बच जाएगा यहाँ पे 1848 पूरी एंट्री पढ़ लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कोज इनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1848 0 5200, टोटल आपका 190। अब कंपनी ने क्या किया, ये शेयर ना फॉरफिट कर लिए। कितने शेयर करेंगे? जो आपके लोटेड वाले उन्हीं को लेना 2000 शेयर को, ध्यान रखना अलॉटमेंट के बाद ही करने हैं। अप्लाइड वाले तो फॉरफिट कर दोगे नहीं, केवल लोटेड वाले करते हो, जो कम वाले शेयर होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन चलता है पूरा। और आपने अलॉटमेंट तक कोल्ड अप गिनना है, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट करो ना, 5 रुपीज़ कोल्ड अप बनेगा, 2000 मल्टीप्लाई 5 10,000 हो गया। कोजिन एरियन में 5200 आपका यहाँ डाल देंगे, और 4800 आपका जाएगा टू शेयर फॉरफिक्चर अकाउंट में। चेक भी कर सकते हो फॉरफिक्चर, जैसे 2000 शेयर थे उसने, एक तो एप्लीकेशन दी, 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा बनता है 4000 तो ये आया हुआ, प्लस एडवांस, एडवांस आपका कितना आया हुआ? 800 आपका एडवांस का, ठीक है। 800 आप इसके साथ ऐड करना, टोटल आपका कितना बन जाएगा? 4800 आपका बन जाएगा, ठीक है। अब कंपनी ने इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करी है, अब शेयर आपने बीच में फॉरफिट कर लिए, अब आपका क्वेश्चन कम पे चलेगा। तो आपने जैसे 80 पे क्वेश्चन चला रहा था, 2000 इसमें से लेस करोगे, यानी अब आपका क्वेश्चन किस पे चलेगा? 78000 शेयर पे, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 2 करेंगे, तो 78000 मल्टीप्लाई 2 ये हमारा बन जाएगा 1,56,000 बन जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट 1,56,000। यहाँ भी क्या आएगा? 1,56,000 डाल दीजिए। अब बैंक वाले एंट्री पे आ जाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कॉज इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल के सामने पहले तो आप 1,56,000 डाल दीजिए यहाँ पे। तो इसकी भाई एक शेयर होल्डर था इसमें, छाया थी इसमें, 500 शेयर लोटेड थे, लोटेड तो सीधा क्वेश्चन लोटेड पे चलता है, लोटेड तो दे ही रखे, फर्स्ट कॉल नहीं दी, पहले देखते एडजस्टमेंट है नहीं है। तो ये ग्रुप है आपका, कैटेगरी है सेकेंड की, सेकेंड कैटेगरी की, सेकंड कैटेगरी के अगर देखा जाए तो उसमें एक्सेस मनी हमारी एडजस्ट हुई थी अलॉटमेंट तक, बाकी तो हमने वापस ही कर दिया, यानी कॉल पे तो हमारा अमाउंट कोई गया ही नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि एक्सेस मनी आपके अलॉटमेंट गई और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और अलॉटेड शेयर दे ही रखे हैं। सारा क्वेश्चन होता है किससे? अलॉटेड से। आपने क्या करना है, बस 500 को सीधा मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉल कितने की? 2 की, 500 मल्टीप्लाई 2 यानी 1000 आपका कॉल इन क्या हो गया? एरियर हो गया। 1000 आप यहाँ डालेंगे कॉल इन एरियर में, यानी एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉज इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल में 1,56,000 आ गया, 1000 आपका यहाँ आएगा, और 1,55,000 आपका यहाँ आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब उसके बाद कंपनी ने क्या किया, इसके शेयर आगे कुछ नहीं किया, शेयरों के बारे में कुछ नहीं बताया कि आगे इसके शेयरों का प्रॉफिट करना है नहीं करना है। उसके बाद उसने सीधा कहा आगे, अगर आप देखो यहाँ क्वेश्चन में, कि फर्स्ट कॉल नहीं दी, क्लियर हो गया। अब फिर तमन्ना के जो शेयर फॉरफिट करे थे, तमन्ना के याद है 2000 शेयर थे, उसका हाफ यानी 1000 शेयर उसने रीइशू कर दिए, 7 का पेड मानते हो कितने में? 9 के हिसाब से, यानी प्रीमियम पर रीइशू कर दिए। फाइनल कॉल के बारे में कुछ नहीं है, फाइनल कॉल आपने कॉल करनी भी नहीं है, कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगी है,
पहले उसने देखो फर्स्ट कॉल दी थी छाया ने, और उसके बाद तमन्ना के शेयर हाफ री इशू कर दिए, सेवन का बेटा मानते हो कितने में, नाइन में, तो हाफ शेयर कितने बनेंगे, जैसे 2000 आपने फोरफिट करे थे, इसका हाफ करो कितने शेयर हो जाते हैं, 1000 शेयर, तो 1000 शेयर री इशू करते हैं, री इशू करें नाइन के हिसाब से, तो नाइन ऊपर आएगा 9000, और आपका सेवन का शेयर था तो सेवन का मानते हुए 7000 आपका यहाँ आएगा, 2000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, यानी सेवन का मानते हुए नाइन में री इशू कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और लास्ट एंट्री होती है फोरफीचर बैलेंस कहाँ डालते हैं, कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, वो निकालना पड़ेगा आपको, देखो फोरफीचर आपका ऊपर आया था यहाँ पर फोरफिट करे थे ना 4800 था, ये कितने शेयरों का है, 2000 शेयर का, री इशू कितने करें 1000 शेयर, तो कैसे निकालेंगे 4800 अपॉन 2000 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो हमारा 2400 बन जाता है। अब 2400 आपका डेबिट तो देखो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, बस यहाँ पे आपका कितना आएगा 2400 आ जाएगा, यहाँ भी कितना आएगा 2400 आएगा, तो पूरी एंट्री क्या बनी ना लास्ट वाली, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2400। ये क्वेश्चन था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपका है 77 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।